बॉलीवुड फिल्म रिफ्यूजी का एक मशहूर गाना है, पंछी नदियां पवन के छोके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। इनके अलावा एक चीज और है जिसे इंसान चाहकर भी नहीं रोक सकता। हम बात कर रहे हैं रिश्तों की, जो कई बार बनाए नहीं जाते, बन जाते हैं। यही वजह है कि सात समुंदर पार भी लोग रिश्ते बनाकर एक दूसरे के साथ रहने आ जाते हैं और चले जाते हैं। इस बार ये मामला कुछ खास इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान का एक और क्रिकेटर भारत की बेटी से शादी करने जा रहा है। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हसन अली 20 अगस्त को भारत की बेटी शामिया आरजू के साथ दुबई में निकाह करने जा रहे हैं। हसन अली से पहले भी कई पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिन्होंने भारत की बेटियों से शादी की है। आइए आपको बताते हैं कि कौन है वो क्रिकेटर्स। पाकिस्तान टीम के पूर्व कप्तान शोएब मलिक ने भारत की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा से साल 2010 में शादी की थी। शोएब मलिक से शादी करने के लिए सानिया मिर्जा ने अपने बचपन के दोस्त सौरभ मिर्जा से सगाई तक तोड़ दी थी। यहां तक कि शोएब मलिक भी पहले ही हैदराबाद की लड़की आयशा सिद्दीकी से शादी कर चुके थे और बाद में तलाक भी दे दिया था। पाकिस्तान टीम के डैशिंग क्रिकेटर कहे जाने वाले मोहसिन खान ने बॉलीवुड एक्ट्रेस रीना रॉय के साथ 1983 में शादी की थी। क्रिकेट छोड़ने और रीना रॉय से शादी करने के बाद मोहसिन खान एक्टर बन गए और उन्होंने तमाम बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय किया। इसी के साथ एशिया के ब्रेडमैन कहे जाने वाले जहीर अब्बास की मुलाकात 1980 के दशक में रीता लथुरा से इंग्लैंड में हुई थी। जहीर अब्बास काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे और रीता लथुरा वहां इंटीरियर डिजाइन स्टूडेंट थी। दोनों ने 1988 में निकाह किया। इसके बाद रीता लथुरा ने अपना नाम बदलकर समीना अब्बास रख लिया और अब पाकिस्तान के इन क्रिकेटर्स की लिस्ट में हसन अली भी जुड़ गए हैं। हसन अली मेवात के नूह के चंदेनी गांव के रहने वाले शामिया आरजू के साथ 20 अगस्त को दुबई में शादी करेंगे। आपको बता दें, शामिया आरजू दुबई में एयर अमीरात में फ्लाइट इंजीनियर हैं। न्यूज़ डेस्क।